मोहिनी कठिल पत्नी बालकृष्ण कठिल ने मोरानीपुर कोतवाली प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरे द्वारा मऊ रानीपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के क्रम में संख्या 28 के लॉकर में रखे मेरे सोने चांदी के आभूषण को बैंक के अधिकारी की लापरवाही से मेरे लॉकर से सोने चांदी के आभूषण गायब करके नकली जेवरात रख दिए, जिससे मेरे द्वारा जब बैंक में जाकर जानकारी की गई तो मुझे गुमराह किया गया कि आपके लॉकर से आप लोगों के ही द्वारा बहुत पहले सामान निकाल लिया गया था। अब यहाँ कुछ सामान आपका नहीं है, जिसमें मैंने अपनी परिवार की कमाई की पुरानी पूंजी रखी हुई थी और वे पूरी खत्म हो चुकी है, जिससे हम लोगों की हालत अब मरने की जैसी स्थिति हो गई। प्रशासन से ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? श्री कृष्ण कठिल। जो आज आप लोगों के साथ घटना हुई है, क्या घटना हुई आप लोगों के साथ में और कहां आपने प्रार्थना पत्र दिया? हमारा मऊ रानीपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी, मऊ रानीपुर ब्रांच में एक लॉकर था जी, 28 नंबर, उसमें हमारे मतलब पिताजी का, माता जी और भाभी जी, जो भाभी है वो जिन्ना है, माता जी का स्वर्गवास हो गया, उसमें हमारा सामान रखा था जी, उसमें सोने की कर्दोनी थी, हार था 5 भर का, बंगलियाँ थी, बाजूबंद थे, एक लॉकेट है, उसमें जो बड़ा बड़ा सामान था वो सब पीतल का हो गया, उसमें 3 चीज़ें केवल हमारी प्राप्त हुई, इसमें छोटा कृष्ण भगवान का लॉकेट जो हमें हमारे लिए हमारे पिताजी ने बनवाया था जी, और गुड़िया थे वो दाना बोलते वो टूटे हुए गुड़िया वो सही है, और एक आय चंद्रमा थी जो हमारे भाई में से 50 साल पहले आई थी, तो वो उसमें इसमें आप लापरवाही किसको मानते हैं? लापरवाही बैंक वालों ने बिना सूचना के तोड़ दिया आपका जी, तो इसमें आपका नोटिस दिया गया जी, ना हमारे पास कोई कार्रवाई आई, उन्होंने कहा हम जब पूछने आए कि साहब किराया जमा कर दें, आपका परिस्थिति किसी कारण से नहीं आ पाए किराया जमा करने में जी, तो हम आए अभी 3-4 महीने पहले, बोले आपका लॉकर ही नहीं है। तो उनके द्वारा क्या कहा गया, टूट गया है क्या? मतलब उन्होंने कहा वो तो डिस्ट्रॉल कर दिया गया है, और हमने बोले तुम्हारे नाम का कोई, हमने कागज दिखाए उनको, इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ठीक है आपका, हम 2 दिन बाद जब हमने उन पे कंप्लेंट की बाहर। क्या नाम आपका? हमारा नाम हरिकृष्ण कठिल है जी। आज जो आपने मऊ रानीपुर में प्रार्थना पत्र दिया है, किस घटना को लेकर प्रार्थना पत्र दिया? जी, मेरी दादी और मेरी माता जी के नाम एक बैंक में, सेंट्रल बैंक मऊ रानीपुर में, 28 नंबर के नाम से एक लॉकर था जो आज से 50-55 साल पुराना हो चुका है। उसका किराया हम लोग शुरू में बिल्कुल कंटिन्यूस जमा करते रहे, 2001 तक कंटिन्यूस जमा करते रहे, उसके बाद हमारे यहाँ पर आग लग गई सिलेंडर विस्फोट से, जिसके यहाँ हमारी सिस्टर ख़त्म हो गई थी, और हम लोगों का पूरा मकान, दुकान, सब कुछ जो कुछ हर सब जल के ख़त्म हो गया था जी। उसके बाद हम लोगों ने बैंक का किराया जमा नहीं कर पाए जी। हमारे पास 2005 में एक बैंक का नोटिस आया जी। उसमें हमने 2001 से लेके 2006 तक का किराया जमा कर दिया जी। उसकी रसीद हमारे पास है जी। हमारे पास बैंक की लॉकर की चाबी है जी। फिर उसके बाद हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया, हम लोगों की परिस्थितियाँ इतनी बदतर थी कि खाने के लिए मतलब रहने के लिए कुछ नहीं था, पूरा मकान दुकान उसकी, हमारे पास पूरी अखबार की कटिंग फोटो सब कुछ है। फिर हमारी पिताजी की तबीयत हो गई खराब, हार्ट के, वो ग्वालियर 8 दिन एडमिट रहे। हमने अपनी माताजी से कहा कुछ, तो माताजी बोली बैंक में एक लॉकर था, चलो भाई हम उसमें से आपको कुछ इलाज के लिए दे रहे पापा को। हम बैंक आए तो बैंक मैनेजर ने बोला कि आपका कोई लॉकर नहीं है 28 नंबर नाम का जी। हमने उनको चाबी दी, पुरानी रसीदें दिखाई, उनके जो कस्टमर केयर के हुए उसको कंप्लेन करी जी। तो 7/2023 में 2 दिन बाद बैंक मैनेजर का फ़ोन आया कि हम वो सेंट्रल, वो आपका स्टेट बैंक में हमारा एक लॉकर रहता है जिसमें हम कुछ सामान रख देते हैं जी। तो बोले उनका फ़ोन आया कि वो उसमें हम देखेंगे, एक दिन बाद फ़ोन आया कि हाँ भाई आप आ जाइए। तो हम लोग आए बैंक में, बोले आपका एक छोटा सा पार्सल रखा है राजा भाई जी के नाम से जी, जो कि हमारी दादी का नाम है जी। बोले आप दादी का मृत्यु सर्टिफिकेट ले आइए, डेथ सर्टिफिकेट जी। फिर वो बनवाया, फिर माताजी के नाम, फिर वो जमा करी, बोले आप शपथ पत्र बनवाइए माताजी का जी। वो बनवाया, वो नौगांव से बना, हम लोग हरपालपुर के हैं, बोले जी नहीं चलेगा मऊ रानीपुर का बनवाइए, तो मऊ रानीपुर का बनवाया। फिर गवाहों का बोले बनवाइए, तो उनका भी शपथ पत्र बनवाया, उनने जो जो कागज मांगे मैंने सब दिए। उसके बाद बोले कि ये तुम्हारा लॉकर
2018 में टूट चुका है उसका जी बॉक्स है। आपने जाके क्या देखा वहाँ पर? हमने वहाँ पे जब अपना खोला तो उसमें जितना हमारा सामान था सोने का था, 50 साल से हम सोने का सामान रखे, उसमें पीतल का बिल्कुल नया सामान रखा है, बिल्कुल जैसे आज ही बनवा के एक महीने पहले रख दिया हो। अच्छा। बिल्कुल चमकता हुआ सामान, शुद्ध पीतल का रखा है साहब जी। आपने कितना रखा था लगभग? हमने लगभग रखा था साहब वही 400 ग्राम, 350-400 ग्राम के करीब था, जो माता जी के बताए अनुसार जी। तो अभी बैंक मैनेजर की तरफ से क्या कहा गया उस पर? बैंक मैनेजर की तरफ से जब हमको लॉकर खुल गया था, बोले थे इसमें एक जिसके सामने तोड़ा गवाहों की वो मिलेगी, कागज मिलेंगे, उनके दस्तखत मिलेंगे, सुनार की तोल मिलेगी, मतलब जो वकील ने इसके सामने तोड़ा लागत का था सामान सामान साहब। अब आज की लागत तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता हूँ, उस टाइम तो 25-30 पुरानी चीजें थी। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? अब पुलिस में हम आए हैं थाने में जी, तो पुलिस की तरफ मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ अपनी माता जी के साथ जी। मुझको 8-10 दिन से रोज बैंक के चक्कर लगाने पड़ते, मेरी माता जी 75 साल की हो चुकी है, इनको एक आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है और सुनाई देता है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से अभी मैं एप्लीकेशन देने आया हूँ, मुझे अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी हमने।